गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th में बायोलॉजी हम क्या पढ़ रहे थे? इम्यूनिटी के बारे हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होगी कि हमारी बॉडी की यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की वो एबिलिटी जो किसी भी जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिक जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, उसके अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सके और हमारी बॉडी को उस डिजीज से क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके। तो उसको क्या कहेंगे हम? इम्यूनिटी। तो द एबिलिटी ऑफ होस्ट बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो एबिलिटी है वो कौन कन्फर्ड करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम। तो उसको क्या बोले हम? इम्यूनिटी। जो बेसिकली जो इम्यूनिटी है वो कितने टाइप की होगी? टू टाइप की। फर्स्ट कौन सी? इननेट इम्यूनिटी। सेकंड कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी कौन सी होगी कि वे इम्यूनिटी जो कैसे होगी? बाय बर्थ। कि बाय बर्थ हमारी बॉडी में क्या होगी? डेवलप होगी। कैसी होगी? नॉन स्पेसिफिक होगी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि ये जो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट ही वर्क करे। हर डिजीज के अगेंस्ट क्या करेगी? यानी कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही फाइट करेगी, वायरस के अगेंस्ट भी, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी क्या करेगी? फाइट करेगी। तो कैसी हो गई? ये नॉन स्पेसिफिक हो गई कि किसी एक डिजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है। कैसी होगी? नॉन स्पेसिफिक होगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होगी? स्पेसिफिक होगी और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ व्हेन अटैक द पैथोजन। जब पैथोजन क्या करेगा? अटैक करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कब हमारी बॉडी में डेवलप होगी? आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप होगी। और आफ्टर बर्थ भी कब होगी? कि जब किसी भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? इन्फेक्ट किया। मान लो किसी वायरस ने क्या कर दिया हमारे ऊपर? इन्फेक्ट कर दिया। वायरस ने अटैक किया। वायरस अटैक करने के बाद क्या उसका इन्फेक्शन फैल गया। तो वायरस इन्फेक्ट करने के बाद बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स आ जाएंगे कि जो कि इसका काम करेंगे, एंटीबॉडी का काम करेंगे। जैसे ही दूसरी बार वही पैथोजन अटैक करेगा तो ये प्रोटीन उसके अगेंस्ट क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा और उस डिजीज को क्या कर देगा? प्रिवेंट कर देगा। तो कब होगी ये? जब कोई पैथोजन अटैक करेगा, अटैक करने के बाद बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो इम्यूनिटी उसी पैथोजन के अगेंस्ट क्या करेगी? फाइट करेगी। कब? जब वो दोबारा अटैक करेगा। तो कैसी होगी? स्पेसिफिक होगी ना, कि जिस वायरस ने अटैक किया, जिस पैथोजन ने अटैक किया, उसी के अगेंस्ट क्या बन गए? एंटीबॉडी बन गए। तो ये किसके अगेंस्ट वर्क करेगी? उसी पैथोजन के अगेंस्ट। कि जब वही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो उसके अगेंस्ट क्या करेगी? वो अपनी इम्यूनिटी शो करेगी। तो कैसी हो गई? स्पेसिफिक हो गई। तो ये कौन सी थी? एक्वायर्ड। और कब हुई? जब पैथोजन ने क्या किया? अटैक किया, यानी कि आफ्टर बर्थ क्या हुई? ये डेवलप हुई। अब हमें पढ़ना है इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले कौन सी थी हमारी? इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी कौन सी होगी कि वह इम्यूनिटी जो कब डेवलप होगी? बाई बर्थ। बाई बर्थ हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। और कैसी होगी? नॉन स्पेसिफिक, कि किसी एक स्पेसिफिक डिजीज स्पेशल डिजीज के अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी, हर डिजीज के अगेंस्ट क्या करेगी? फाइट करेगी। तो इसे क्या बोलेंगे? इननेट। तो इननेट इम्यूनिटी में होता क्या है कि इननेट इम्यूनिटी के अंदर कुछ बॉडी के अंदर क्या होंगे? कुछ बैरियर्स डेवलप होंगे और ये बैरियर्स क्या करेंगे? प्रिवेंट कर देंगे क्या? एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। कि पैथोजन जो पैथोजन डिजीज कोज करते हैं उनकी एंट्री क्या कर देंगे? ये प्रिवेंट कर देंगे। तो कौन कौन से बैरियर होंगे? तो फोर टाइप के क्या होंगे? बैरियर्स होंगे। तो फर्स्ट बैरियर कौन सा होगा? फिजिकल बैरियर। सबसे पहले कौन सा बैरियर आएगा? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होगा कि फिजिकली किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, जैसे कि कोई भी, मान लो यहाँ से कोई भी इंसान क्या, पर्सन क्या कर रहा है? रेस कर रहा है। हम उसको क्या कर दें? फिजिकली यहाँ पर प्रिवेंट कर दें, या तो उसके सामने क्या कर दें? किसी वॉल का बना दे। तो क्या हो गया? वो फिजिकली प्रिवेंट हो गया ना। तो फिजिकली किसी भी पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करना क्या कहलाएगा? फिजिकल बैरियर। तो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल बैरियर काम कौन करेगा? हमारी स्किन। स्किन क्या करेगी? स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन की एंट्री क्या कर देती है? प्रिवेंट कर देती है, क्योंकि स्किन क्या होगी? आउटर कवरिंग होगी बॉडी की। क्या करेगी ये? अपने अंदर पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट कर देगी। इसके अलावा कुछ और बैरियर्स होंगे, जैसे कि म्यूकस। म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होगी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी, म्यूकस प्रेजेंट होगी। इसके अलावा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ पर क्या होगी, म्यूकस प्रेजेंट होगी। म्यूकस क्या करेगी, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो कि स्किन ने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। अब कोई भी ओपनिंग है, ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, जैसे कि माउथ है, माउथ क्या होगी, ओपनिंग होगी, माउथ के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर गई, एंट्री कर गई। तो माउथ के थ्रू एंट्री करेंगे तो कहाँ पर जाएंगी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, म्यूकस होगा। तो म्यूकस क्या कर लेगा, उस पैथोजन को ट्रैप कर लेगा, रोक लेगा वहाँ पर। अब कुछ चलेगा एलिमेंट्री कैनाल से नीचे तो वहाँ पर क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहाँ पर भी क्या कर लेगी, म्यूकस ट्रैप कर लेगी। यूरिनरी कैनाल के अंदर भी क्या होगा, जो यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी, म्यूकस होगी। म्यूकस क्या कर लेगी, उसको प्रिवेंट कर लेगी। तो म्यूकस और स्किन किसका वर्क करेगी, एक फिजिकल बैरियर का वर्क करेगी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट बैरियर कौन सा होगा, फिजिकल बैरियर। सेकंड कौन सा होगा, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स होंगे जो हमारी फिजियोलॉजी को क्या करेंगे, जो हमारी मतलब कि जो फिजियोलॉजिकली क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कैसे करेंगे कि मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, एंटर कर गए हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में कहाँ गई, स्टोमक के अंदर। तो स्टोमक के अंदर क्या प्रजेंट होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रजेंट होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करता है। एसिडिक नेचर होगा तो क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। इसके अलावा सलाइवा है, सलाइवा के अंदर भी क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होगा। और इसका जो पीएच क्या कर देगा, जो हार्मफुल पैथोजन है उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। इसके अलावा टीयर्स है, टीयर्स के अंदर क्या होगा, एक एंजाइम होगा, कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, पॉइजन सब्सटेंस रिलीज करेगा जो क्या कर देगा, पैथोजन को किल कर देगा। तो मान लो कि यदि हमारा माउथ के थ्रू एंटर हुआ है तो सलाइवा क्या कर देगा, उसको किल कर देगा पैथोजन को। कुछ पैथोजन किल नहीं हुए, कहाँ गए, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देगा, एसिडिक नेचर क्या कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। मान लो आईज की ओपनिंग के द्वारा एंटर कर रहे हैं तो टीयर्स, जैसे ही आईज के अंदर कोई पैथोजन अटैक करेगा क्या आएंगे, टीयर्स आएंगे। टीयर्स के अंदर क्या होगा, लाइसोजाइम एंजाइम, ये क्या कर देगा, पैथोजन को किल कर लेगा। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या आएंगे, हमारा स्टोमक, स्टोमक के अंदर HCl, टीयर्स और सलाइवा। नेक्स्ट कौन सा बैरियर होगा, हमारा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर क्या आएगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगी, WBC होंगी। तो WBC में मेनली कौन सी, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट कौन सा, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स हैं जो क्या करेंगी, उसको क्या बोलते हैं, PMNL। ये क्या करेंगी, बैक उसको पैथोजन को क्या कर देंगी, पैथोजन के अगेंस्ट क्या करेंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। और एंटीबॉडी क्या कर देंगी, एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेंगी, फाइट करेंगी। और क्या कर देंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, किल कर देंगी। इसके अलावा क्या होंगी, मोनोसाइट्स होंगी, नेचुरल किलर सेल्स होंगी जो क्या करेंगी, पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगी, उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। तो ये हमारे WBC मेनली किसका काम करेगी, सेलुलर बैरियर का। नेक्स्ट फोर्थ बैरियर कौन सा होगा, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर के अंदर क्या होगा, साइटोकाइन बैरियर किसकी तरह एक्वायर्ड काम करेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा कि साइटोकाइन क्या होगा, जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो बॉडी को इन्फेक्ट करेगा क्या करेगा, कुछ प्रोटीन रिलीज करेगा। उन प्रोटीन का क्या नाम देंगे हम, इंटरफेरोंस। और ये इंटरफेरोंस क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम यदि वो वायरस अटैक करता है तो वो वायरस के अगेंस्ट क्या करेंगी, फाइट करेंगी और उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। तो इस तरह साइटोकाइन बैरियर क्या करेंगे, हमारी बॉडी में वर्क करेंगे, किस तरह एक्ट करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह। तो जो हमारी इननेट इम्यूनिटी में क्या होंगे, 4 टाइप के बैरियर्स होंगे। तो यहाँ तक क्या थी हमारी इननेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होगी,
आफ्टर बर्थ बॉडी में क्या होगी, डेवलप होगी, आफ्टर बर्थ होगी और कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, कि किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट क्या करेगी, फाइट करेगी। डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।